हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक्निकल काफ़ी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक सबमर्सिबल सिंगल फेज मोटर का जो स्टार्टर होती है उसको रिपेयर करना सीखने वाले हैं। ये प्रॉब्लम जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दिखा जाता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोस्तों ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको स्टार्टर का जो प्रॉब्लम है वो आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप देखिए, इसमें पावर सप्लाई दे दिया है, इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद इंडिकेटर चल रहा है, इसका मतलब मान लो कि हमारा मोटर पंप ऑन है, चल रहा है। अब इसको हम ऑफ करने की कोशिश करते हैं, देखिए रेड बटन प्रेस करके, तो ये मोटर दोस्तों हमारा ऑफ नहीं होता है। यानी दोस्तों जो हमारे मोटर पंप चालू ही रह जाती है, ये रेड वाला बटन काम नहीं करता है। इसको अगर MCB हम ऑफ कर देते हैं, फिर भी मोटर दोस्तों ऑफ नहीं होता है। ये देखिए, यानी दोस्तों हमारा जो स्टार्टर है हमेशा इस तरह से ऑन करने के बाद ऑन ही रह जाती है, ऑफ बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन कभी कभी हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऑफ नहीं होती है। अब आइए हम इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोग जो है इस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले जो है इसका जो रेड बटन का स्विच है ना, उसको ही चेंज कर देती है। लेकिन उससे चेंज करने के बाद भी दोस्तों इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होती है। तो देखिए, हम इसका प्रॉब्लम सोल्यूशन आपको बता देंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक जो आपका वायर लेना है और जहाँ पर कैपेसिटर का वायर लगा है ना, उसको डिसकनेक्ट कर देना है। क्योंकि कभी कभी कैपेसिटर में जो है करंट स्टॉक रहता है, तो शॉक लगने की खतरा रह जाती है। तो सबसे पहले आप इसको जो है डिसकनेक्ट जरूर कर लेना, किसी भी एक छोटा सा वायर लेके। और देखिए, इसमें से आपको जितने भी पार्ट्स दिख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो स्विच है, मीटर है या कैपेसिटर है, किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। MCB में किसी भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है दोस्तों वो है ये कॉन्टैक्टर रिले पे एक प्रॉब्लम है। इसमें ये प्रॉब्लम दोस्तों 100% होती है, और इसी के कारण दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम दिखा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस रिले के ऊपर ही आपको काम करना है। तो आइए हम उसको बता देते हैं क्या करना है आपको। सबसे पहले इसको तो आप नीचे से दोस्तों इसको आपको ओपन कर लेना है। आपको तीन या दो स्क्रू दिखाई देगी, तो इसमें आपको इसको खोल लेना है पीछे से, ठीक है। खोलने के बाद दोस्तों आपको कोई भी वायर यहाँ पे खोलने की ज़रूरत नहीं है, बिना वायर खोलने की आप इसको ओपन कर सकते हो। तो नीचे से एक पत्ती होगी दोस्तों, इसमें चार बोल्ट होगी, इसमें आपको इस तरह से ओपन कर लेना है चारों स्क्रू को। और ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए, इसको एक एक करके आप इस पार्ट्स को बाहर निकालिए बहुत ही सावधानी से। और यह देखिए दोस्तों, इसका कोर है, ऊपर का कोर है, दो इसमें कोर होती है। तो उसके बाद देखिए, पत्ती होती है और कॉइल होती है, मैग्नेट कॉइल, और दो यहाँ पे स्प्रिंग होती है दोस्तों। इसको भी सावधानी से रख दीजिए बाहर में। आप देखिए दोस्तों, आपको प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो नीचे वाला कोर है ना दोस्तों, नीचे वाला कोर में आप देखेंगे ये काला काला हिस्सा, ये काला काला हिस्सा दोस्तों, इसमें जो है कार्बन जम जाती है। दोनों कोर दोस्तों आपस में यहाँ पे टच होने के वजह से आपस में कभी कभी यहाँ पे दोस्तों कार्बन जम जाती है। और कार्बन जम जाने के बाद दोस्तों क्या होती है कि ऊपर का कोर और दोस्तों यहाँ पे जो नीचे का कोर, दोनों कोर, ये वाला दोस्तों ऊपर वाला कोर है, तो इसमें भी देखिए थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे कार्बन जम चुकी है। और ये ऊपर वाला कोर, नीचे वाला कोर, जब हम इसको प्रेस करते हैं, ऑन करते हैं, तभी आपस में दोस्तों चुंबक की तरह लग जाती है। ये देखिए कुछ इस तरह से, और ये जो कार्बन है इससे इसका चिपक जाती है। और चिपकने के कारण दोस्तों जब हम इसको ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये ऑफ नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले इस तरह का एक सैंड पेपर लेना है, और इस सैंड पेपर से दोस्तों ये जो कोर है ना, दोनों कोर को आपस में इस तरह से अच्छे से घिस लेना है। इसमें जितने भी कार्बन है दोस्तों, उसको घिस के क्लीन कर देना होगा, अच्छे से क्लीन करना है। थोड़ा सा भी यहाँ पे कार्बन नहीं होना चाहिए। देखिए, ये वाला अच्छे से चमक गया है और अच्छे से क्लीन हो गया है। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब देखिए, जो नीचे वाला कोर है दोस्तों, इसको भी आपको इसी तरह से अच्छे से घिस के जो क्लीन कर देना होगा। आप चाहो तो इस कोर को बाहर भी निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसे ही इसको घिस के अच्छे से क्लीन कर देते हैं। और देखिए, ये अच्छे से क्लीन हो गया है। अब इसको हम फिटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों ही अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ, अगर मान लो कि आपके स्टार्टर में कभी कभी जो वाइब्रेशन का आवाज़ निकलती है दोस्तों, अगर वाइब्रेशन का आवाज़ होती है ना दोस्तों, तो इस तरह का प्रॉब्लम की वजह से भी वाइब्रेशन का आवाज़ निकलती है। तो आप वाइब्रेशन का आवाज़ भी इस तरह से ही रिपेयर कर सकते हो, अगर आपके स्टार्टर में कभी भी वाइब्रेशन का आवाज़ निकलती है। तो देखिए, यहाँ पर दोनों स्प्रिंग लगाने के बाद जो एक कॉइल है, इसको भी लगाना है। तो कॉइल के देखिए, आपको दो सरे में दो टॉप जैसे मिलेगी, तो इस दोनों को स्प्रिंग के मिडिल बराबर रखना होगा, यानी स्प्रिंग के अंदर इसको लगाना है। इसके बाद इस कॉइल को इस तरह का बिठाने के बाद इसके ऊपर यह देखिए पत्ती लगाने है, पत्ती को कुछ इस तरह से बिठा देना है। इसके बाद ऊपर वाला जो कोर है इसको भी इस तरह से लगा देना है। और इसके बाद इसके जो पीछे वाला पत्ती होती है यानी प्लेट, इसको भी हम लगा देंगे और चारों नट यहाँ पे कस के अच्छे से टाइट कर देंगे। उसके बाद आपको मैं इसको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ।
आइए दोस्तों, अब इसको हम टेस्ट करेंगे। अब देखते हैं हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पावर सप्लाई हमने दे दिया, एमसीबी भी ऑन कर दिया। अब इसको हम ऑन करके देखते हैं। देखिए ये हमारा ऑन हो गया। अब इसको ऑफ करेंगे, ऑफ करके देखेंगे कि हमारा इंडिकेटर ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, अब ये ऑफ हो रहा है। मतलब दोस्तों हमारा दोस्तों काम जो है बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हो ये बहुत ही आसानी से अब ऑन ऑफ हो रहा है। इससे पहले तो सिर्फ ऑन हो रहा था लेकिन ऑफ बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। अभी स्टार्ट रहा दोस्तों, बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब इससे मोटर दोस्तों चला सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप किसी भी स्टार्टर का इस तरह का प्रॉब्लम अगर आती है आपके पास तो बड़ी ही आराम से इसको आप रिपेयर कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, अगर आपके स्टार्टर में कभी भी वाइब्रेशन का आवाज़ भी निकलती है ना, तो इसी तरह का प्रॉब्लम की वजह से वाइब्रेशन का आवाज़ भी होती है। तो आप वाइब्रेशन का आवाज़ भी इस तरह का ही रिपेयर कर सकते हो। तो ऐसा करते दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी किसी तरह का नया नया वीडियो का पाने के लिए दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिए आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।